अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन टुडे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न साइंस कॉर्नर क्लास 5 एंड आवर टॉपिक नेम इज रॉक्स एंड मिनरल। जैसे कि हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 11 में हमने रॉक्स और मिनरल के बारे में रीड किया था। हमने रॉक्स के बारे में रीड किया था, उसकी फर्स्ट टाइप हमारे पास थी अग्निनोक्स रॉक्स, उसके बारे में हमने रीड किया था। आज हम पेज नंबर 117 करेंगे। उसमें पेज नंबर 117 में हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रैक्टिस जोन है। प्रैक्टिस जोन में उसने हमसे क्या पूछा है, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यानी जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई इन्होंने, इनको हमने रीड करना है। अगर वो ट्रू होगी हम टी यूज़ करेंगे, अगर वो हमारे पास फॉल्स होगी तो हम एफ यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमसे क्या पूछा है, अग्निनोक्स रॉक्स कैन फॉर्म ओनली इन साइड द अर्थ क्रस्ट। वो कहते हैं जो अग्निनोक्स रॉक है वो हमारे पास जो अर्थ क्रस्ट है, ज़मीन का छिलका है, उसके अंदर पाई जाती हैं। ओनली सिर्फ इन साइड द अर्थ क्रस्ट, जो ज़मीन का छिलका है सिर्फ उसी के अंदर पाई जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगा। क्योंकि हमने रीड किया था जो हमारे पास अग्निनोक्स रॉक थी वो फॉर्म्स होती थी अंडर द अर्थ सरफेस, जो हमारी ज़मीन की सतह है उसके नीचे तश्कील पाई जाती हैं, तश्कील दी जाती थी या पाई जाती थी। तो जो हमारे पास फर्स्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यानी वो हमें कह रहा वो ओनली फॉर्म्स ओनली इन साइड द अर्थ क्रस्ट, जमीन की जो छिलका है उसके अंदर पाई जाती है, जो हमारे पास फॉल्स आएगा। सेकंड वो कहते हैं मिनरल्स आर मेड अप ऑफ ओनली वाटर एंड गैसेस। वो कहते हैं जो हमारे पास मिनरल है, मादनियात है, वो सिर्फ किससे मिलकर बनते हैं, वाटर और गैसेस से मिलकर बनते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। क्योंकि हमने क्या रीड किया था, जो हमारे पास मिनरल है वो क्या है, डेफिनेटली वो हमारे पास केमिकल कंपोजिशन है, यानी वो क्या है, कीमियाई अमेजश है। उसमें हमें क्या, हम ये नहीं कह सकते उसमें सिर्फ वाटर और गैस पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है रॉक्स आर यूज फॉर मैनी पर्पज़। वो जो कहते हैं जो रॉक्स है, चट्टाने हैं, वो हमारे पास मैनी पर्पज़, बहुत सारे मकासद के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, सच एज कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, एंड हॉर्टिकल्चर यानी हम बागवानी के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। जैसे कल हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास जो अग्निनोक्स रॉक्स थी इसके जो हमारे पास टाइप्स थी, उसके आगे हमने एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें हमने रीड किया था जो हमारे पास रॉक्स हैं वो किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, टूल्स को कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और हॉर्टिकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फैसिनेटिंग फैक्ट्स है। फैसिनेटिंग फैक्ट्स में वो हमसे क्या कह रहा है, फैसिनेटिंग फैक्ट्स में हमसे कह रहा है अग्निनोक्स रॉक्स आर फॉर्म्ड। वो कहते हैं जो अग्निनोक्स रॉक्स है आर फॉर्म्ड यानी पाई जाती हैं फ्रॉम मैग्मा डैट फ्लोज आउट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अंडर वाटर वोल्केनोज नोन एज द मेड ओशंस रिजेस। वो कहते हैं जो अग्निनोक्स रॉक्स है वो क्या हो जाती है, जो हमारा मैग्मा है यानी जो हमारे अग्निनोक्स रॉक्स है वो किससे मिलकर बनती है, मैग्मा पर मुश्तमिल होती है, और जो मैग्मा वो कहते हैं फ्लो करता आउट ऑफ द अर्थ जमीन के पार फ्रॉम द अंडर वाटर वोल्केनोस यानी आतिशफशां के सोते हैं, वो ज़मीन के बाहर आता है, और इस अमल को वो क्या कहते हैं, मिड ओशन रिजेस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन बनाया वो हमारे पास क्या है, व्हाट इज मिड ओशन रिजेस, तो आप ये वाला लिखोगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक्स। जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक है, हमने रीड किया था जो हमारे पास रॉक है उसकी तीन टाइप्स हैं, उसकी तीन कैटेगरीज हैं, क्या थी, अग्निनोक्स रॉक्स थी, सेडिमेंट्री रॉक्स थी, मेटामॉर्फिक रॉक्स थी। हमने अग्निनोक्स रॉक्स के बारे में रीड किया कि अग्निनोक्स रॉक्स क्या है हमारे पास, उसकी टाइप के बारे में हमने रीड किया, उसके एग्जाम्पल के बारे में रीड किया। आज हम रीड करेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। वो कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड। वो कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या है, तश्कील दी जाती हैं जब पाई जाती हैं बाय द डिपोजिशन जमा करने से एंड सेडिमेंट्री ऑफ मिनरल और मादनियात के एंड ऑर्गेनिक मैटर और नामियात की डेट आर ट्रांसपोर्ट बाय द वाटर। वो कहते हैं जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या है, जब हमारे पास नामियाती मादे पानी के ज़रिए ट्रांसपोर्ट यानी नकल हमल करते हैं या बह जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वो क्या कहते हैं एक जगह तह बना लेते हैं, तो उसके सूरत में जो हमारे पास रॉक्स वजूद में आती हैं या जो चीज़ हमें वजूद में आती है उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अगर आपको कहा जाए डेफिनेशन सेडिमेंट्री रॉक तो आप क्या लिखोगे, आपको कहा जाए डेफिनेशन लिखो सेडिमेंट्री रॉक्स के तो आप लिखोगे सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन एंड सेडिमेंटेशंस ऑफ मिनरल्स
एंड ऑर्गेनिक मैटर डैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, यहाँ तक आप करोगे। यानी हमारे पास जो सेडिमेंट्री रॉक है वो तश्कील दी जाती हैं जब हमारे पास नामियाती मादे और मादनियात पानी के थ्रू नकल हम्बल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, और जहाँ पर अपनी तह बना लेती हैं उसके सूत्र में जो हमारे पास रॉक्स वजूद में आते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो यहाँ पर वाटर तक आप करोगे। नेक्स्ट वो कहता है दे कुंटे हैं, ये मुश्तमिल होते हैं फॉसिल्स एंड डिपॉजिटेड इन लेयर, यानी डिपॉजिटेड यानी जो जमा की होती हैं लेयर्स में एट द बॉटम, सबसे नीचे ऑफ द लेक्स एंड ओशन, यानी जो हमारे पास लेक झीलें और जो समुंदर होते हैं उसकी तह में सबसे नीचे जो हमारे पास पत्थर में, यानी फॉसिल्स क्या होते हैं जो हमारे पास कूड़ा किटकुट होता है, जो चट्टानें वगैरह होती हैं जो अब वो हमारे पास झील और समुंदर के नीचे तह के सूत्र में जमा हो जाती हैं, तो जो हमारे पास वजूद में आती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। तो ये सेडिमेंट्री रॉक इन पर मुश्तमिल होता है। जब ये आल्सो कंटेन दे मे आल्सो कंटेन, और ये मुश्तमिल होती हैं द रिमेन्स ऑफ ऑर्डर रॉक्स, वो कहते हैं दूसरी जो हमारे पास पुरानी चट्टानें होती हैं उन पर भी ये मुश्तमिल होती हैं। फर्स्ट वो हमें कहता है जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल होते हैं, यानी जो हमारे पास गलने सलने वाले मादे होते हैं या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो पानी के साथ बह जाते हैं, और जो हमारे पास जमा किया हुआ जो तय होती है हमारे पास लैक्स और ओशंस के अंदर, उसके सूत्र में जो हमारे पास रॉक्स वजूद में आते हैं उनको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, जिस पर मुश्तमिल होती है। सेकंड वो हमें से कह रहा है जो हमारे पास पुरानी रॉक्स होती हैं चट्टानें होती हैं उन पर मुश्तमिल होती हैं। तो आगे नेक्स्ट हम कह रहा है द टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, जो हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक है उसके हमें टाइप्स बता रहा है, यानी उसके जो अकसाम है आर क्या आ जाएगी, सैंड स्टोन आ जाएगी, कॉनग्लोमेरेट आ जाएगी, शैले आ जाएगा एंड लाइम स्टोन आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, हमसे कह रहा है टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ये मैंने साइड पर लिखा हुआ है, तो इसका आप क्या लिखोगे द टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंड स्टोन, कॉनग्लोमेरेट, शैले एंड लाइम स्टोन। तो आप यहाँ तक करोगे। सो टुडे आवर लेक्चर इज ओवर, आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा आप इसको दोबारा रीड कीजिएगा। और आज के आपके असाइनमेंट क्या हो जाए, फैसिनेटिंग फैक्ट्स में मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाया है व्हाट इज द मिड ओशन रिजेस, ये आप क्या करोगे रिजेस करोगे, आप डेफिनेशन सेडिमेंट्री रॉक की करोगे, आप टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक करोगे, और आप इसको वीकेंड पर एज असाइनमेंट सबमिट करवाओगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।